News 18, India. इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। किसान आंदोलन से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां पर चंडीगढ़ में देर रात केंद्र सरकार और किसानों के बीच चौथे दौर की बातचीत हुई और ये बातचीत काफी सकारात्मक माहौल में हुई। सरकार की तरफ से किसानों को कुछ प्रस्ताव दिए गए, जिसमें कुछ उपज के लिए एमएसपी पर 5 साल की गारंटी दी गई है। सरकार की तरफ से मिले सुझावों पर किसान चर्चा कर आज सरकार को अपना जवाब देंगे। किसानों की तरफ से भी कुछ सकारात्मक सुझाव सरकार को दिए गए हैं। चंडीगढ़ में यह बैठक हुई, कुछ फसलों की एमएसपी पर गारंटी का प्रस्ताव जो है वो रखा गया। किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बहुत ही अच्छे वातावरण में एक सकारात्मक चर्चा, लंबी चर्चा हुई है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सदैव भारत के किसानों की चिंता करते हैं। 5 साल के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट करके एनसीसीएफ और नैफेड गारंटी करेगा कि अगले 5 साल तक जो भी क्रॉप डाइवर्सिफाई करके ये 4 प्रोडक्ट्स बनाएगा, 4 उत्पादन खेती के करेगा, उसको ये संस्थाएं एमएसपी पर खरीदेगी। कोई क्वांटिटी की लिमिट नहीं होगी। किसान संगठनों ने बताया कि वो यहाँ पर इस पर निर्णय लेने के बदले कल सुबह तक हमें अपना निर्णय बताएंगे। मेरा विश्वास है जिस अच्छे वातावरण में आज की चर्चा हुई है, उस वातावरण में दोनों पक्ष सकारात्मक सोच के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ेंगे। हम अनुरोध करेंगे कि माननीय किसान इसको कॉल ऑफ करें। के साथ किसान संगठनों की 4 घंटे से ज्यादा चंडीगढ़ में मीटिंग हुई, पॉजिटिव माहौल में ये मीटिंग जो है वो बताई जा रही है। अब केंद्र सरकार की तरफ से एक प्रपोजल किसान यूनियन को दिया गया है कि जो दालें हैं, कॉटन है, उस पर भी पूरी एमएसपी जो है वो किसानों को दी जाएगी और पूरी फसल जो है 5 साल तक केंद्र की एजेंसियां उठाएंगी। इस पर फैसले के लिए अब किसानों ने 2 दिन का समय मांगा है। 2 दिन बाद केंद्र के सामने केंद्र का जो प्रपोजल आया है उसके बारे में किसान जानकारी केंद्र से साझी करेंगे। कैमरामैन विनोद के साथ पंकज पाई, न्यूज 18 चंडीगढ़। तो चौथे दौर की बातचीत कहीं ना कहीं सकारात्मक रूप लेती हुई नजर आ रही है। किसान इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। लगातार मेरे सहयोगी मानव शंभू बॉर्डर से बने हुए। मानव, जरा आसान शब्दों में दर्शकों के लिए ये बताइए कि आखिर ये जो बैठक थी इसमें क्या बातचीत हुई और आखिर सरकार की तरफ से वो कौन सा प्रस्ताव दिया गया जिसको लेकर किसान कहीं ना कहीं पॉजिटिव रुख अपना रखे हैं। बिल्कुल, देखिए सीएसीपी एक आपका आयोग है, उसके तहत कुछ एमएसपी 23 फसलों पर सरकार तय करती है। हर 6 महीने में ये रेट रिवाइज होते हैं। लेकिन कल जो चौथी बैठक थी जहां पर 14 किसान, केंद्र के 3 मंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री, पंजाब के कृषि मंत्री उस बैठक में मौजूद थे, वहां पर सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव किसानों के सामने ये रखा गया कि अगर आप दलहन यानी दालें, कपास यानी कॉटन और इसके अलावा आप ऐसी चीज़ों को उपजाएंगे और ऐसी फसलें आप करेंगे तो आपको सरकार 5 साल के लिए आपके जो नेफेड है या सीसीपी है, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सीसीआई है, माफ़ कीजिएगा, उसके तहत 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा और ये देश भर में ये लागू होगा कॉन्ट्रैक्ट और इससे बहुत ज़्यादा किसानों को फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ साथ अभी पंजाब में होता क्या है कि पंजाब के किसान ज़्यादातर गेहूं और धान की बुआई करते हैं। अगर एक तरीके से डाइवर्सिफिकेशन होगा फसलों में तो कहीं ना कहीं दूसरी फसलों की उपज भी होगी, ताकि बाकी जो केंद्रित एक तरीके से किसान अभी गेहूं और धान पर हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की कोशिश यह है कि एक प्रस्ताव किसानों के सामने अब रख दिया है। किसान ये कह रहे हैं कि हम एमएसपी गारंटी कानून चाहते हैं जिससे कि पूरे देश के किसानों को इसका लाभ हो और बाकी अन्य फसलों पर भी गारंटी के तहत एक मूल्य तय हो जाए। एमएसपी को अगर आप समझे तो होता यह है कि इसमें 3 चरण होते हैं। पहले चरण में ये होता है कि जितनी आपकी लागत है फसल में उतना ही उसी आधार पर आपकी खरीद होती है।
दूसरा होता है कि आपकी जितनी लागत हुई उसके अलावा जो मजदूरी खुद किसान ने अपनी ज़मीन पे की उसकी लागत निकालते हुए किसान को एक तरीके से मुनाफा दिया जाए, और तीसरा होता है जिसकी मांग ये जिसको लेकर ये आंदोलन हो रहा है C2+50% जिसकी सिफारिश एम एस स्वामीनाथन आयोग ने भी की थी, उसमें यह था कि सरकार का जो खरीद करेगी उसमें फसल का करीब करीब 50% अतिरिक्त मुनाफा किसान को होना चाहिए, उसमें किसान की खुद की ज़मीन पर एक तरीके से जो उसका किराया है वो भी उसमें शामिल किया जाए, तो इस तरीके की मांग थी। इसको सरकार ने ये कहा कि इससे बहुत ज़्यादा बोझ हमारे ऊपर पड़ जाएगा, तो फिलहाल एक ये प्रस्ताव किसानों के सामने रखा है। किसानों ने ये कहा है कि 21 फरवरी सुबह 11 बजे तक का हमें समय चाहिए, हम अपने साथियों से बात करेंगे और सरकार को जवाब देंगे। अगर यहाँ पर बात सरकार और किसानों के बीच नहीं बनती है तो किसान नेताओं ने रात को ही ये बात साफ कम्युनिकेट कर दिया सरकार को कि हम 11 बजे सुबह 21 फरवरी को दिल्ली कूच करेंगे, जिसके लिए पहले से यहाँ पर किसान शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। अगर ये बात सरकार और किसानों के बीच नहीं बनती है तो ठीक है, मैडम हम आपका दोबारा से रुख करेंगे। तो यहाँ कुछ प्रस्ताव सरकार की तरफ से दिए गए और कुछ प्रस्ताव किसानों ने भी रखे। अब सरकार से मिले प्रस्ताव पर किसानों ने 2 दिन में विचार करने के बाद अपना पक्ष रखने की बात कही है। एक सरकार की ओर से हमें MSP को लेकर प्रपोजल आई है, और वो जो प्रपोजल आई है उस प्रपोजल में ये बात कही गई है कि दालों, मक्का और कपास, इन सभी फसलों का पूरे देश के अंदर जितना भी उत्पादन होता है ये केंद्र की 2 एजेंसियों के द्वारा इनकी पूरी की पूरी फसल की MSP जो तय की जाएगी उसके ऊपर खरीदी की जाएगी, और उन्हीं ही जो एजेंसीज हैं केंद्र की उन्हीं के द्वारा हमारे साथ लिखित में उनका कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाएगा। और जो MSP के ऊपर जो मंत्री महोदय ने आपको बोल के भी प्रस्ताव दिया है तो ये प्रस्ताव ला रहे हैं, ये एक बात ये आई है, तो उसके ऊपर हम लोग अपने फॉर्मों में विचार विमर्श करेंगे और जो माहिर हैं उससे भी राय लेंगे कि जो प्रपोजल आई है वो देश हित में, किसान मजदूर के हित में, खेती सेक्टर में हित में क्या सही है क्या गलत है उसके ऊपर निर्णय बाद में करेंगे, या तो कल सुबह होगा या शाम को या परसों सुबह, सब बातें हो जाएंगी। और एक बार फिर से न्यूज 18 इंडिया के हमारे सहयोगी मानव का रुख करेंगे। मानव देखिए चौथे दौर की ये बातचीत सुखद जरूर रही है, क्योंकि यहाँ किसान ये कहते हुए नजर आए हैं कि अगर सरकार हमारी बात सुन रही है तो हमें भी उनकी बात सुननी पड़ेगी। लेकिन आंदोलन को लेकर क्या हुआ, सरकार की तरफ से आंदोलन खत्म करने की अपील की गई है, इस पर क्या कह रहे हैं किसान? देखिए अगर आप करीब 4 दिन के गतिविधियां देखें किसानों की सरकार की, तो क्या किसानों की तरफ से यहाँ पर शंभू बॉर्डर पर क्या किया गया कि अपने जितने भी युवा हैं जितने भी किसान हैं उनको ये कहा गया कि आपको किसी भी तरीके से तकरार पुलिस के साथ नहीं करनी है, आपको संयम बरतना है क्योंकि आपकी बातचीत सरकार के साथ चल रही है, और जब ऐसे बातचीत चल रही है यहाँ पर हिंसा होगी तो संदेश गलत जाता है। तो आपने देखा कि बीते 3 दिन में यहाँ पर किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं हुई। दूसरी तरफ अगर देखें तो कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किसानों ने की थी तो उसमें यह कहा था कि सरकार 12 में से 8 मांगे उनकी मान नहीं रही है, और जब रात को बैठक हुई तो उसके बाद जब किसान नेता वहां से बाहर निकले तो उनके चेहरे पर एक तरीके से एक पॉजिटिव हमको साइन देखने को जरूर मिला। हालांकि वो लोग ये कह रहे हैं कि अगर हमको प्रस्ताव मानने लायक होता तो हम कल रात को ही बैठक के बाद सरकार को हाँ कर देते, लेकिन फिर भी क्योंकि सरकार ने एक प्रस्ताव रखा है 5 फसलों की खरीद को लेकर MSP तय करने को लेकर, तब उन्होंने ये कहा कि अब हम बाकी संगठनों के पास जाएंगे उनसे बात करेंगे और उसके बाद ही आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल मानव, और ये देखने वाली बात होगी कि आखिर कितना पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है वो किसानों की तरफ से आगे दिया जाता है।